फ्रेश नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस वक्त अखिलेश यादव अपनी पार्टी की मजबूती के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि कई जो छोटे जो क्षेत्रीय दल है उनको भी साधने की कोशिश उनके द्वारा लगातार जारी है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट जीतने के बाद अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और साथ ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को लेकर के भी उनके द्वारा बयान दिए जाते हैं और उनके निशाने पर अगर सबसे खास तौर से बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं उनको वो खास तौर पर निशाने पर इस वक्त ले रहे हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ओपी राजभर जिस तरीके से उनका साथ छोड़ करके गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे हैं, अब उसका हल तलाशने के लिए राजा भैया को वो अपने साथ मिला सकते हैं। इस बात की पुष्टि इसलिए भी की जा रही है क्योंकि राजा भैया लगातार यादव परिवार से काफ़ी ज़्यादा करीब हुए हैं बीते 2-3 महीनों की अगर बात की जाए तो। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ओपी राजभर अगर अखिलेश यादव का साथ नहीं भी देते हैं आने वाले चुनावों में तो फिर राजा भैया उसकी कमी को पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई सीटों के लिहाज से भी राजा भैया के साथ आने से ये कमी पूरी हो सकती है ये देखना होगा। लेकिन इस समय ये तय है कि समाजवादी पार्टी उन तमाम छोटे दलों को अपने साथ लाने के लिए कोशिश कर रही है लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से उन छोटे दलों के नेताओं ने भी ये बात की पुष्टि नहीं की है कि वो अब चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उतरेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम मामले इस वक्त आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम नजरों में बने हुए हैं क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। 24 में सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियाँ देखने को मिलती हैं क्योंकि वहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ऐसे में देखते हैं अखिलेश यादव क्या पिता मुलायम सिंह यादव की उस राजनीतिक विरासत को बचा पाते हैं और फिर से एक बार जो है संसद में उनके जो है लोकसभा के मेंबर ज़्यादा चुन करके जाएंगे क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो मात्र एक ही सांसद उनकी पार्टी से डिंपल यादव के रूप में मौजूद है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।